चाहिए। गाड़ी खड़ा करके आइए, गाड़ी खड़ा करके आके चेक करा लो। इसको भी छोड़ देते आप लोग, हो सकता है इन्फेक्टेड हो। चल चार पांच रोज से वहाँ भी। इस वक्त मैं ककरावा जो सिद्धार्थ नगर जिले में आता है नेपाल बॉर्डर पे उसके खड़ा हूँ, जहाँ पे कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की जांच की जा रही है। आइए हम बात करते हैं इनसे कि किस तरह की जांच ये लोग कर रहे हैं, सर किस तरह की जांच हो रही है यहाँ पे? आने जाने वाले लोगों से जो नेपाल से आ रहे हैं या संदिग्ध हैं उस तरह से, उनका जो है टेम्परेचर की जांच हो रही है। अच्छा, नेपाल के अंदर भी हो रही है या सिर्फ आप ही लोग कर रहे हो? नहीं, हम अपने वहाँ कर रहे हैं जो उधर से आ रहे हैं, और वहाँ भी हो रहा है, नेपाल में भी। जो इधर से जा रहे हैं वो नेपाल में हो रहा है। अभी तक कोई आपको मरीज मिले? अभी ऐसा कोई संदिग्ध नहीं है। अभी कोई सर भैया जा आगे सड़ जाना इनका। अशोक कुमार जी, जी सर। अशोक कुमार जी, वो बताइए जो ये ड्यूटी में मुस्तैदी आप लोग दिखा रहे हैं, ये सुबह कितने बजे से लेके और रात कितने बजे तक है? हम 10 बजे करते हैं। नहीं नहीं, आपकी जो ये बैरियर है चाहे किसी की भी ड्यूटी हो, कितने बजे खुल जाती है? 6 बजे। 6 बजे खुल जाती है। और बंद कब होती है? 10 बजे बंद होती है। अच्छा, आप लोग को अभी तक कोई संदिग्ध दिखा है कोरोना का? नहीं, इस रोड अभी तो बॉर्डर से अभी नहीं दिखा। अभी कुछ नहीं। इस वक्त मैं नेपाल बॉर्डर के अंदर हूँ जो ककरावा बॉर्डर के करीब है। यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि कोरोना के लिए कितनी जागरूकता है, कितनी मुस्तैदी है, कोरोना को हराना है। आइए हम बात करते हैं इनसे, नेपाली स्वास्थ्य कर्मियों से हैं जो इसमें लगे हुए हैं। ये को बता दीजिए कि ये बॉर्डर कितने बजे से खुलता है, कितने बजे बंद हो जाता है? क्या कोई कभी तक कोई संदिग्ध मिला कोरोना का? अभी तक नहीं मिला। अभी तक नहीं मिला। ये बॉर्डर कै बजे खुलता है, कब बंद हो जाता है? खुलता तो है, हमको नहीं मालूम। हम 8 बजे से यहाँ आए हैं, अब 6 बजे तक का ड्यूटी है। क्या आप नेपाल सरकार के स्वास्थ्यकर्मी नहीं है क्या? तो अभी आपको मालूम नहीं कि बॉर्डर कितने बजे खुलता है, कब बंद हो जाता है? 6 बजे से। 6 बजे से खुलता है। तो इंडिया से आने वालों को आप लोग चेक करते हैं? अभी तो मशीन उपलब्ध नहीं करा है। अच्छा, अभी मशीन उपलब्ध नहीं है। अभी हमने देखा कि नेपाल के अंदर वो मशीन उपलब्ध नहीं है, सिर्फ नेपाल से जो इंडिया जाते हैं वहाँ पे मशीनें हैं जिनकी जांच हो रही है। तो इसमें तो बड़ा संदिग्ध फायदा उठा लेंगे यार आने जाने वाले कोरोना से। आप लोग कोई मशीन नहीं है तो? ऐसा कोई बात नहीं है सर। हाँ, जो शांति सुरक्षा के लिए जैसे हमारे वहाँ की पुलिस बात शांति सुरक्षा की नहीं है। कोरोना कोई आपसे मारपीट नहीं करेगा। वो तो है। हाँ, जिससे शांति और सुरक्षा की बात हो रही कि कोरोना वायरस है कि नहीं है किसी को, क्योंकि आपके पास वो जांच की मशीन उपलब्ध नहीं है। वैसे सर फिलहाल अभी नहीं है, जिला जैसे भैरहवा पड़ता है वहाँ मतलब मशीनें हैं जो एयरपोर्ट पे भी लगा हुआ है, हर जगह जहाँ से नहीं, नहीं, बॉर्डर पे जो लोग आ जा रहे हैं। हाँ, बॉर्डर पे ऐसा कोई अभी वो लक्षण नहीं मिला, लक्षण नहीं मिला है, और नहीं इनके पास जांच की कोई मशीन है। हाँ, अब आगे इनके भैरहवा एयरपोर्ट पे है, कहाँ है अब ये राम भरोसे चल रहा है ये बॉर्डर। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा कि देश दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, मौतें लगातार हो रही हैं, और इस वक्त आप नेपाल बॉर्डर के एक ऐसे हेल्थ
चेक पोस्ट पर बैठे हुए हैं, जहाँ से विदेश से आने वाले ढेर सारे नागरिक, नेपाली ढेर सारे नागरिक आ रहे हैं, और जहाँ से भी लोग जा रहे हैं, इंडियन लोग भी जा रहे हैं, तो उनकी देखभाल, उनके सुरक्षा के लिए क्या हो रहा है? यहाँ पे हम लोग के पास इस समय इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट है, जिससे हम लोग सबका टेम्परेचर ले रहे हैं जी। और जिनका भी टेम्परेचर हाई ऐसा कुछ है तो उनसे उनकी हिस्ट्री ली जा रही है कि कहीं वो इधर बाहर से कोई पिछले 15 दिन से कहीं फॉरेन से तो नहीं आ रहे हैं। हमारे पास 12 देशों की सूची है, अगर ऐसा कुछ हमको मिल रहा है तो अगर उनको सर्दी जुखाम और सूखी खांसी जैसे लक्षण है तो उनके लिए अलग से एक एम्बुलेंस की व्यवस्था भी है कि हम उनको रिपोर्ट कॉल करेंगे और वो यहाँ पर आके उनको लेके जाएंगे। जो आइसोलेशन वार्ड हमारे बर्डपुर CSC पे और जिले पे बना हुआ है, वहाँ पे इनको आइसोलेट करके रखा जाएगा। फिलहाल अभी तक तो यहाँ ऐसा कुछ केस नहीं हुआ है, क्योंकि कोई भी केस नहीं। हाँ, एक्चुअली यहाँ इमिग्रेशन ऑफिस है नहीं जी। तो फॉरेनर्स इस बॉर्डर से अलाउड नहीं है, सिर्फ नेपाल और इंडिया के लोग ही आवागमन करते हैं। तो ज़्यादा होने को तो अब नेपाल में भी है रिस्क, लेकिन ये है कि फॉरेनर्स मतलब जैसे चाइना के लोग, इटली के लोग इस बॉर्डर से पास नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी मेडिकल टीम में कितने पैरामेडिकल के लोग हैं, कितने डॉक्टर लोग हैं, और ड्यूटी का क्या समय है, कितने वक्त तक ड्यूटी चलती है? ड्यूटी जैसे कि बॉर्डर सुबह 7 बजे से खुलता है और शाम के 8 बजे तक रहता है, तो हम लोग की भी ड्यूटी जो है उसी हिसाब से है। 2 शिफ्ट में पैरामेडिकल स्टाफ है, बाकी बैकअप में हम रहते हैं। 12 हम तो यहीं अस्पताल पर ही रहते हैं, 12 घंटे अप डाउन करते रहते हैं, देखते रहते हैं यहाँ की व्यवस्था, नज़र बनाए रहते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ की व्यवस्था से सुरक्षा को देखते हुए क्या आप संतुष्ट हैं? हाँ, व्यवस्था तो ठीक है सब। हमारे SSB के लोग भी बहुत कोऑपरेटिव हैं, और अभी तो शिफ्ट चेंज हुआ है 2 बजे से, और दूसरे शिफ्ट के स्टाफ हैं अभी, अभी पहले शिफ्ट वाले स्टाफ गए हैं और अभी जस्ट थोड़ी देर में बस अब ये 8 बजे तक बने रहेंगे यहाँ पर। BNI लाइव से बात करने के लिए धन्यवाद। इस वक्त मैं ककरावा के नेपाल बॉर्डर पे हूँ, और यहाँ पे भारतीय जो स्वास्थ्यकर्मी हैं या SSB के लोग हैं, ये एकदम मुश्तैदी दिखा रहे हैं, लेकिन बड़ा अफसोस है, दुर्भाग्य है कि नेपाल के अंदर में न वहाँ के स्वास्थ्यकर्मी एक्टिव हैं और न ही उनके पास इस तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट है जिससे वो कोरोना के वायरस की या टेम्परेचर की जाँच कर सकें। और यहाँ से लोग आते जाते रहते हैं, अगर दुर्भाग्य से एक मरीज भी अगर छूट गया, आ गया इधर, तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। हम धन्यवाद देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के, कि यहाँ के स्वास्थ्यकर्मी SSB या डॉक्टर्स जो भी हैं बहुत एक्टिव हैं, जो एक लोगों को भी नहीं छोड़ रहे हैं कि जिनसे बिना जाँच के वो अंदर या इंडिया में जा सकें वो वापस। मैं नेपाल बॉर्डर से इशरत सिद्दीकी, VNI लाइव के लिए।